ठीक है, एक सेकंड को हेलो, स्क्रीन दिख रही है सबको अब बराबर? ठीक है, तो ना अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ना है। एक्चुअली जो बुलियन एलजेब्रा पढ़ाई थी मैंने, तो बुलियन एलजेब्रा में इशू क्या था कि वो बुलियन एलजेब्रा के द्वारा हम जो एक्सप्रेशन को यदि सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब उस टाइम को रिमूव करने के लिए एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम था कार्नो वैज्ञानिक, KARNAUGH, ठीक है, कार्नो नाम के एक वैज्ञानिक हुए। अब एक कार्नो नाम के जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने एक 1953 में एक टेक्निक अलग से ईजाद की थी जिसका नाम है के मैप, जो के का मतलब यहाँ पे है उसका मतलब है कार्नो, ठीक है। तो ये कार्नो के द्वारा ये जो टेक्निक उपयोग की थी तो ये के मैप कहलाई। तो इसमें क्या हम मैपिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो इसके द्वारा हम बुलियन एलजेब्रा को सॉल्व करते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये बेसिकली मतलब बहुत ही मतलब इजी है और बहुत जल्दी इससे मतलब हमारा जो सॉल्व जो बुलियन एलजेब्रा का जो फंक्शन है वो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो मैंने आपको बुलियन एलजेब्रा में दो चीज़ बताई थी, एक तो बताई गया और दूसरी बताई थी मैंने, एक POS फॉर्म होती है। SOP का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और POS का मतलब तो होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। वो आपको ये पिछले जो वीडियो डाला है ना उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो ये तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक है। किसके सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक है? बुलियन एलजेब्रा के। अब इसमें देखो कार्नो मैप में क्या है, यहाँ पे देखते चलो सारे लोग, यार ये क्या हो रखा है। हाँ, ये जो के मैप है, ये के मैप, तो ये के मैप में क्या है, तुम्हारे सबके वो माइक है ना उनको वो बंद कर म्यूट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। तो के मैप है, के मैप में के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आउटपुट होते हैं, वो तीन आउटपुट इसमें उपयोग लेते हैं, एक तो 0, एक 1 और एक डोंट केयर, ठीक है, डोंट केयर। तो ये कार्नो मैप है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है तो यदि वो मान लो किसी के यदि रिक्वेस्ट ज्वाइन नहीं हो पा रही तो उसको दोबारा सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं? ऋषभ खंडेलवाल, रुको एक सेकंड, एक साथ ज्वाइन करा करो ना, तो तुम इशू करते रहते हो। एड में ऋषभ खंडेलवाल ज्वाइन करो जल्दी। आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो इसको आप ढंग से समझ लेना। यदि ये क्लास आपके समझ में आ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बुलियन एलजेब्रा बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो ये आगे के जितने भी आप इसमें लॉजिक गेट वगैरह और इसके अलावा जो इसमें कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट बनाओगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ आएंगी। तो आप सुनो, इसमें जो के मैप होता है इसमें आप क्या करते हो, इसके जो आउटपुट होते हैं आउटपुट की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या डोंट केयर होगी। डोंट केयर को मैंने आपको समझा दिया था, यदि नहीं समझाया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। डोंट केयर क्या होता है, डोंट केयर का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब हमें पता नहीं है कि वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसको अपन डिनोट करते हैं एक क्रॉस से या एक्स से, इसको अपन इससे डिनोट करते हैं, इसको हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, काफ़ी बुकों में डी से भी डिनोट कर रखा है, लेकिन आप इसको यदि इंस्टेंट बुक में देखोगे तो इसको अपन क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये बात यहाँ तक समझ भाई कि इसमें आउटपुट होता है 0, 1 और डोंट केयर। तो ये पहली लाइन अपनी कंप्लीट हो गई। अब ये जो के मैप होता है ये क्या करता है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन आपका होता है ग्रे कोड का। अभी ग्रे कोड, ये ग्रे कोड समझ में नहीं आया होगा ग्रे कोड क्या होता है, तो अब ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड को समझने के लिए आप जानते हो मतलब आपने कोडिंग पढ़ी थी, BCD कोडिंग और ये डेसिमल टू BCD
हेक्साडेसिमल, उसमें भी अपने ग्रे कॉर्ड भी देखा था, तो इसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ग्रे कॉर्ड में क्या होता है, ग्रे कॉर्ड का मतलब होता है कि कोई भी जो अपन उसमें कॉर्डिंग लिखते हैं वो उसके जो नेक्स्ट वाला कॉर्ड होता है उसके अंदर अपन उससे क्या करते हैं, एक से उसको मतलब एक में एक वेरिएबल में चेंज करते हैं। ठीक है, ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही है आप लोगों की। कौन आ गया, कौन, अरे कोई और कोई आ रहा है ऑनलाइन क्लास में, ये बड़ी अपराध है इसमें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ग्रे कॉर्ड में क्या करते हैं अपन, ग्रे कॉर्ड में मतलब जो नेक्स्ट बिट होते हैं, जैसे अब ये जो कॉर्ड है ये देखो 0 0, तो इसमें 0 0 में हमने क्या करा, जो नेक्स्ट इसकी एक बिट है उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें 0 को, ये 0 को हमने चेंज किया 1 से। अब उसके बाद क्या करा, ये 1 को कॉन्स्टेंट रख लिया, और ये जो ये वाला 0 है इसको अपन ने क्या डिनोट किया 1 से। इसी तरीके से अब अपन नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये 1 को अपन रखेंगे कांस्टेंट, और ये 1 है जो ये वाला इसको अपन 0 से चेंज कर देंगे। मतलब इसमें जो नेक्स्ट वेरिएबल होता है, मतलब इसमें लिखा हुआ है ईच सक्सेसिव टर्म इज चेंज बाय 1 बाय ओनली 1, मतलब जो नेक्स्ट वाली जो सक्सेसिव टर्म होती है वो केवल एक के द्वारा चेंज होती है। ठीक है, शायद ये समझ में आ गया होगा ग्रे कोड। अब ये ग्रे कोड में क्या होता है, यदि ग्रे कोड को आप पे आगे चलाते जाएं तो सेम कोड आ जाता है। तो देखो यहाँ पे टू वेरिएबल वाला कोड है 0 0, तो 0 में से पहली 0 ये वाली चेंज करी 1 हो गया, फिर मैंने 0 1, फिर उसके बाद क्या करा मैंने नेक्स्ट वाली 0 चेंज करी और ये 1 हो गया, फिर ये क्या करा 1 कांस्टेंट रखा, पहली वाली 0 1 को चेंज किया 0, फिर मैं क्या करूँगा 0 कांस्टेंट रखूँगा और ये जो ये 1 है सेकंड नंबर पे इसको मैं दहाई के अंक पे जो था 1 इसको चेंज करूँगा, तो ये आपके 0 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये कोड है, ये साइक्लिक कोड है। अब इसको आप देखो, ये जो ये पूरा पुनरा बन रहा था एक साइकिल बन गई, तो ग्रे कॉर्ड को अपन साइक्लिक कॉर्ड भी कहते हैं। इस ग्रे कॉर्ड का के मैप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो अब ये आपने क्या करा, 0 को 1 में, 1 ये सारा ये मतलब ये साइक्लिक कॉर्ड हो गया। अब इसकी डेफिनेशन लिख रखी है ग्रे कॉर्ड की, ग्रे कॉर्ड क्या होता है, ग्रे कॉर्ड होता है ईच सक्सेसिव टर्म इज चेंज बाई ओनली 1। ठीक है, यहाँ पे अब अपन को के मैप बनाना है, तो के मैप में बनाने के लिए क्या होता है, इसमें वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है उसमें चर अचर ये सारी चीज़ होती हैं। तो वेरिएबल जैसे एक वेरिएबल हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ए, ये एक वेरिएबल हो गया। यदि दो वेरिएबल की बात करो तो ये हो जाएगा ए और बी, बी वेरिएबल। तीन वेरिएबल की बात करो तो ए बी सी, ठीक है ए बी सी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा आपको इसमें बताऊंगा, हाँ एक टू मतलब एक वेरिएबल का तो बनता ही नहीं है के मैप, ए वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं, तो मिनिमम जो के मैप बनता है वो टू वेरिएबल का बनता है। अब आपके जैसे इस साल ऑब्जेक्टिव पेपर आने लग गए, आपके 30 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आपके आएगा कि के मैप को बनाने के लिए कितने मिनिमम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें ऑप्शन आएगा 1 2 3 1 2 4 3 कुछ भी ऐसे, तो आपको उसमें एक पे क्लिक नहीं मारना, उसमें आपको टिक मारना है 2 पे। तो यहाँ पे मिनिमम जो के मैप बनता है वो मिनिमम के मैप आपका 2 वेरिएबल का बनता है। अब ये 2 वेरिएबल का यदि के मैप बनेगा तो 2 वेरिएबल के मैप को बनाने के लिए इसमें हमें सेल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो इस ये 2 वेरिएबल के लिए आपको 4 सेल बन गए इसके अंदर, 4 सेल। अब मैं इसको अलग से बनाता हूँ एक बार, 4 सेल की ज़रूरत पड़ गई। अब ये 4 सेल क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यदि जितने वेरिएबल होते हैं तो उसके उसकी पावर 2 की पावर n, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि दो वेरिएबल हैं तो उसके लिए 4 सेल की ज़रूरत पड़ेगी, यदि 3 वेरिएबल हैं तो उसके लिए आपको 2 4 4 2 8 8 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि 4 वेरिएबल है तो उसके लिए आपको 16 सेल की जरूरत पड़ेगी। ये बात आपकी शायद समझ में आ गई होगी सबके, आ रही है सबके समझ में, अब तक जो पढ़ाया है वो सबके समझ में आया है, किसी कोई डाउट यहां तक, ठीक है। तो ना अब इस तरीके से यदि आप 5 वेरिएबल होंगे तो 5 वेरिएबल का मतलब n की जगह 5 रखोगे तो 2 की पावर 5,
तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 32 सेल बनेंगी। तो एक के मैप बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक तरीके से ये 2 वेरिएबल का मैं बना रहा हूँ, ये आपको, ये आपने 2 वेरिएबल का बना दिया, 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल क्या होंगे, एक तो ए ले लिया मैंने और एक ले लिया मैंने बी। बी अब ये 2 वेरिएबल है तो इसके लिए कितने सेल की जरूरत पड़ेगी, सेल मतलब कमरे या बॉक्स कुछ भी कह दो, तो इसके लिए आपको 4 बॉक्सों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 4 कमरे, 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, बी की वैल्यू यदि आप डिजिटल में पढ़ें तो बी की वैल्यू 2 ही हो सकती है, 0 या 1। तो बी की वैल्यू एक बार आपने लिख दी 0, मतलब मैं इसी के जो पीला पीला बनाया ना इसको ही, मतलब इसी का मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन थोड़ा सा आपको 4 कमरे दिखाने के लिए अलग बना दिया। तो ये बी है, ये बी की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। यहाँ तक आई बात समझ में, अब 0 1। इसी तरीके से जो ए वेरिएबल है, ये ए लिया है, ठीक है, इस ए की वैल्यू भी आपकी क्या हो सकती है, 0 और 1। देखो ये यहाँ पे इसको हटाओ, ए की वैल्यू भी आपकी 0 और ये हो गई आपकी 1। अब इसके बाद क्या करना है, ये चीज़ ध्यान देने वाली, ये जो ये 0 है, मतलब मैंने क्या माना है, जो इधर की साइड में चलूँगा तो इसको मान रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यदि मैं इस साइड में ऊपर से मतलब ऐसे देखूँगा तो इसको मान रहा हूँ मैं वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये लंबा लंबा है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्षैतिज है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 0 को पहले मैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की 0 को यहाँ पर लिख दूँगा, और फिर मैं वर्टिकल की 0 को इस जगह पर लिख दूँगा, इस जगह पे, ठीक है। इसी तरीके से मैं 0 वाली, ये 0 है तो इस 0 को मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा, और इस 1 को मैं आपके यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये 0 1 बन जाएगा। इसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल को मैं पहले लिखा, तो यहाँ 1, ऊपर से वर्टिकल से क्या है 0, यहाँ से 1 आया, ऊपर से क्या है आपका 1। अब आपने बुलियन में एक चीज, मतलब डिजिटल में एक चीज़ देखी थी कि 0 0 है, तो 0 0 को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, 0 से। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लिखते हो, 0 1। 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लिखते हो, 1 0। और 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 1 1 लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ शायद समझ में आई होगी आपके, मैंने पिछली क्लास जो हुई थी ना उनमें सारी चीज़ आपको पढ़ा दी थी ऐसी चीज़ें। तो ये जो ये बक्स हैं इनकी जो नंबरिंग है, तो उनकी नंबरिंग 0 से 3 तक होगी, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 नहीं होता, ये बक्से 4 हैं, लेकिन इनकी नंबरिंग 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बोलो बोलो, 0 से चालू होंगे। ये 0 से चालू क्यों होंगी उसका रीजन बताऊँ आपको, जो डिजिटल में मैंने पहले पढ़ाई थी उसमें ये नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि 0 0 होता है, यदि ये 0 0 हो तो इसको नंबर सिस्टम में आप यदि डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से यदि आप 0 1 है, 0 1 सॉरी, ये 0 और ये 1, ये 0 1 है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो 1 से। आप उसमें देखना नंबर सिस्टम में डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होता है ना उसके लिए, यदि आप 1 0 से लिखोगे तो 1 0 के लिए आप क्या लिखोगे, 2, ठीक है। तो मैंने भी बस यही किया, और 1 1 हुआ आपका, तो 1 1 के लिए आप लिखोगे 3। ये आप बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन है उसमें देखना। अब यहाँ पे देखो ये 0 0, इस जगह पे दोनों 0 आ गई यहाँ पे, ये दिख रहा है ये 0 0, तो इसकी वजह से मैं जो डिलीट मार रहा हूँ ये 0 0, इन 0 0 पर से यहाँ पे 0 नंबर आ गए, मतलब 0 नंबर का बक्सा है इसका नंबर, ये 0 1 है, तो 0 1 को मैं रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 1 नंबर से, तो ये मतलब 1 नंबर का बक्सा हो गया, मतलब 1 नंबर की सेल हो गई, बक्सा बोल दो, सेल बोल दो, कमरा बोल दो, कुछ भी बोल दो उनको, लेकिन आपको वहाँ पे किताब लिखना है तो वहाँ पे आपको सेल लिखना है, ठीक है। समझने के लिए आप समझ रहे हो कि बक्सा सेल अलग अलग, एक मतलब मैंने अलग अलग पार्ट बना दिए। ये 1 0 है तो 1 0 को क्या लिख रहे हो वहाँ पे, 2, ठीक है। अब इसी तरह से 1 1 है तो 1 1 को आप क्या लिखोगे, 3। अब ये आपका बन गया 2 वेरिएबल का के मैप। ये चीज़ आपको बस इनको एक बार आप खुद की काउंट पेन कॉपी लेके आप बनाओगे ना तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सबसे इजी टॉपिक और सबसे इजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और इसमें फुल में फुल नंबर आते हैं, 70 में से लोगों के 68 नंबर आ जाते हैं, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई नंबर काटता नहीं है, और नंबर 0 भी आते हैं। यदि किसी बच्चे ने यहाँ पे 0 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे यदि 2 लिख दिया ना इस जगह पे,
और यहाँ पे यदि 3 लिख दिया तो मतलब ये है कि आपने गलत बनाया है और उसमें सीधा 0 नंबर टिकाएगा। अब यदि आप क्लेम करोगे सर मैंने तो आधा बना दिया सही, तो उसमें वो नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसमें बात क्लियर होती है, 0 और 1 की फॉर्म में बात होती है, नंबर आते हैं पूरे आते हैं और कटते हैं तो पूरे कटते हैं। अब ये 2 वेरिएबल हो गए। अब 2 वेरिएबल मैंने ए और बी के बारे में बताया, अब इसी तरीके से मैं 3 वेरिएबल की बात करूँगा। तो 3 वेरिएबल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ, इसमें 3 वेरिएबल तो 2 की पावर 3 = 8, तो इसके अंदर आपकी 8 सेल हो गई। एक कमरा, ये कमरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए इसमें ये। वैसे अब इनकी नंबरिंग देखो, ये ए वेरिएबल है, ये ए वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 होगी या 1, 1 होगी। तो ये मैंने यहाँ लिख दिए, यहाँ तक शायद समझ में आया होगा। अब ये इधर की साइड मैंने लिख दिए 2 वेरिएबल बी और सी, हाँ तो बी और सी, तो ये बी सी है। तो बी सी को आप यदि 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल को आप कितने, ये 2 वेरिएबल है बी सी, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने तरीके होंगे, 4 तरीके होंगे। इसको मैं 0, 0 लिख सकता हूँ, इसको 0, 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 0, 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 1, 1, ठीक है। तो इस टाइप से ये आप इनको 4 बार, तो ये मैंने 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1, 0, ये चारों देखो 0, 0 लिख दिया मैंने, 0, 1 लिख दिया, फिर 1, 0 है। तो इसमें ये चीज़ पूछने लायक है कि ये 1, 1 के बाद में 1, 0 क्यों लिखा, ठीक है, बाकी 1, 0 लिखना चाहिए यहाँ पे। तो अब ये चीज़ समझो, ये क्या चक्कर है, अब इसको मैं बताऊँ इसमें चक्कर क्या है। एक्चुअली हाँ सभी सही समझे तुम, ये जो साइक्लिक है, ये वाला जो साइक्लिक है ना, इसकी वजह से कि 0, 0, 0, 0 के बाद 0, 1 आएगा, 0, 1 के बाद 1, 1 आएगा और 1, 1 के बाद में 1, 0 आएगा। आया समझ में, हाँ सबको आ गया समझ में कि ये ग्रे कोड में है और ये 0, 0 आया, तो 0, 0 में ये चूंकि ग्रे कोड है तो जो नेक्स्ट सक्सेसिव होती है उसमें केवल एक को चेंज करेगा, तो 0 को 1 में चेंज किया तो ये 1 चेंज हो गया। अब मैंने 1 को कांस्टेंट रख लिया यहाँ पे और फिर मैंने नेक्स्ट जो 0 बची उसको मैंने चेंज किया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आगे वाले में क्या करूँगा, ये पीछे वाले 1 को मतलब 1 को कांस्टेंट रखूँगा और 1 को 0 में, इस टाइप से। अब इसको देखो इसमें क्या करा है, इसमें भी वही बक्से में हॉरिजॉन्टल लिया मैंने 0 यहाँ से, ठीक है, वर्टिकल से यहाँ से भी आपका क्या आ गया 0, 0, गलत लिख दिया इसने, यहाँ पे एक 0 आना चाहिए 0, 0, तो यहाँ 3 0 आ गई। इस जगह पे भी आपने क्या करा है, पहले 0 आया यहाँ पे और ऊपर से 0, 1 आ गया। इस जगह पे क्या करा है, पहले 0, 0 आया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से 1, 1 आया, अरे क्या हुआ, 0 और फिर 1, दिक्कत आ रही है इसमें कुछ, 0, 1, 1, इसमें भी 0, 1, 0। अब इनको मैंने 0, 0 को 0 को मैं डिनोट कर रहा हूँ 0 से, 0, 0, 1 को 1 से, 0, 1, 1 को 3 से और 0, 1, 0 को 2 से, तो ये बक्से का नंबर भी चेंज होगा 0, 1, 3, 2। अब ये फोर्थ वाला इसको देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल से क्या है आपका 1, ऊपर से वर्टिकल से क्या है 0, 0, हॉरिजॉन्टल से क्या है यहाँ पे 1, ऊपर से क्या है 0, 1, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से क्या है 1, ऊपर से क्या है आपका 1, 1, और ये हॉरिजॉन्टल से क्या है आपका 1 और ऊपर से वर्टिकल से क्या है आपका 1, 0, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे एक सेकंड कोई आया है शायद, हाँ तो अपनी बात ये चल रही थी, ये 1 हॉरिजॉन्टल से आ गया ऊपर से 0, 0, तो 1, 0, 0 को आपने उसमें पढ़ोगे कि इसमें नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में 1, 0, 0 को आप डेसिमल में क्या लिखते हो 4, ऐसे 1, 0, 1 को आप 5, इसको 1, 1, 1 को 7 और 1, 1, 0 को 6। तो इस तरीके से जो 3 वेरिएबल का जो के मैप है इसकी नंबरिंग 0 से लेकर 7 तक होती है। और इसकी नंबरिंग कैसी होगी, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। ये सब आपको रटान किया जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको एक दो बार पेन कॉपी से रखोगे लिखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक इसका मैं वीडियो है, वो वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप उसको एक बार दोबारा भी देखना, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। अब इसमें आगे देखो, अब 4 वेरिएबल का के मैप बनाना है, तो 4 वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए आपको कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, 4 की, क्योंकि 4 वेरिएबल में 4 वेरिएबल,
चार वेरिएबल है ए बी सी और डी। अब चूंकि चार वेरिएबल है तो चार वेरिएबल के लिए कितनी सेल की जरूरत पड़ेगी, चार वेरिएबल के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 16। तो इसके अंदर कितने डब्बे हो गए, ये 16, एक डब्बा, दो डब्बा, तीसरा डब्बा ये, और ये चौथा डब्बा, इससे पांचवा डब्बा ये, ठीक है, और ये छठा, ये सातवा और ये आठवा, ठीक है। इस टाइप से ये आपके इसके अंदर में 16 डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब इनकी नंबरिंग के लिए वही तरीका, ये चूँकि साइक्लिक कॉर्ड है तो इनको मैंने दो वेरिएबल को मैं कैसे देखूँगा, 0 0 0, ये 0 1, इसको 1 1, इनको 1 0। अब चूँकि इसके वेरिएबल ये सी डी ये भी दो हैं और यहाँ पे भी आपके दो वेरिएबल हैं, तो इनको भी मैं 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। तो इस टाइप से इनको अपन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो नंबरिंग, अब ये 0 0 0 तो, और ऊपर ये 0 0 हॉरिजॉन्टल गए और वर्टिकल भी 0 0, तो चूंकि इसमें 0 0 0 0 है तो इसको मैं 0 लिखूंगा। चूंकि अब ये आगे वाला ये डब्बा इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें यदि 1 है तो 0 0, ऊपर से 0 1 आए तो इसको 1 से, इसको मैं हॉरिजॉन्टल में क्या 0 0, ऊपर से क्या आपका 1 1, तो इसको मैं डिनोट करूँगा 3 से, इसको 0 0 और ऊपर से 1 0, तो इसको डिनोट करेंगे अपन 2 से, इसी तरह से, और ये आपका 0 1 और 0 0, इसको 4 से, इसको 0 0 0 1 0 1, इसको मैं 5 से, और 0 1 1 7 से, और ये 0 1 1 0 इसको 6 से, इसी तरह से 1 1 0 0 तो इसको 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 0 1 तो ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 लिखा हुआ है ध्यान रखना, इसमें क्या 1 1 0 1, ये 13 वाले डब्बे में ये आएगा। इसको आप यदि बोलिए इसको सॉल्व करोगे नंबर सिस्टम से, तो ये नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको आप इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आएगा, हेक्साडेसिमल नंबर मतलब इसको यदि डिनोट करोगे आप डेसिमल में तो ये आपका 13 ही आएगा। ये 1, ये कितना 4, और ये 8, 8 4 12 और 1 13, तो ये 13 आएगा, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 1, चारों 1 1 हो जाएंगे, 15 आएगा। यदि मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ 0 की जगह, तो ये चारों आपके 15 हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 1 1 0, तो ये आपका 14 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपके जो चार ये वेरिएबल हैं, मतलब ये मैंने बता दिए कि ये के मैप है, तो के मैप के अंदर आपके 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, इनको आप इजीली बहुत इजीली बना सकते हो। हालांकि इसे आप 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल 7 वेरिएबल 8 वेरिएबल कितने का बना सकते हो, लेकिन आपके डिप्लोमा में इवन इंजीनियरिंग में बीटेक तक भी आपके यही है कि 4 वेरिएबल से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। हालांकि उसने कुछ ऐसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आज तक मैंने मेरी प्योरी बीटेक में नहीं देखा, और इतने साल से आपको पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर भी 4 वेरिएबल से ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। अब यदि आप चाहोगे तो मैं 5 वेरिएबल का बता दूंगा, लेकिन 4 वेरिएबल तक मोर देन सफिशियंट है, तो उसको पढ़ना कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो ये शायद आपके सबके समझ में आया होगा। सेकंड, एक मैसेज आ रहा है। वो है नहीं क्या तुम्हारे पास में? तो अपने कॉलेज का जो चैनल है जीपीसी दौसा, उस पर देखना ना एक बार जाके, उस पर जीपीसी दौसा लिखेगा ना, उसके बाद में ऐसे लिखना उस पर डिजिटल जीपीसी दौसा करके फिर आ रही हो, मेरे नाम से सर्च मार लेना, ठीक है। तो उसमें ऑटोमेटिक वो सारे सारे वीडियो आ जाएंगे, मैं हालांकि मैं भी देख लूंगा, डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, नोट्स बना लेना यार, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ये तो मेरे नोट्स है तो तुम्हें क्या समझ में आएंगे। एक बार वीडियो को, अभी मैं इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, हालांकि ये वीडियो भी चल रहा है इसका, इसकी रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास भी तो आपको दे दूंगा अभी के अभी, ठीक है। 1 घंटे में उसको मैं अपलोड कर दूंगा, फिर आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और वो नंबर सिस्टम है ना, हेक्साडेसिमल नंबर, वो सारे नंबर सिस्टम, उसको भी मैं देखता हूँ, वो मेरे पास पड़े होंगे तो मैं आपको भेज दूँगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये आपको 2 3 और 4 वेरिएबल के शायद समझ में आ गए होंगे, है ना, इतना। अब ये तीनों चीज़ यदि आपकी समझ में आ गई ना, तो आप के मैप किसी को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है आगे जाके। अब इसमें जो आगे का मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देख, आपको ये क्या है, पहली बात तो यदि आपको बारे आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा कि के मैप होता क्या है,
तो आपको के मैप के बारे में सीधा सीधा लिखना है कि के मैप एक तरीके से मतलब है, के मैप ये लिखना, के मैप बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की टेक्निक है, ठीक है। और ये एक मिनिमाइजेशन टेक्निक है। इसको कार्नो नामक वैज्ञानिक ना 1953 में इसको ड्राइव किया था, और इसके अंदर जो आउटपुट होते हैं उनकी वैल्यू 0, 1 और डोंट केयर आती है। और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें हम ग्रे कोड या साइक्लिक कोड का उपयोग करते हैं। और इसके लिए जो ग्रे कोड होता है वो ग्रे कोड में मिनिमम में टू वेरिएबल का बना सकते हैं, और टू वेरिएबल से ज़्यादा हम कितने तक का बना सकते हैं, बस ये चार ये बातें आपको लिखनी है। अब इसमें ग्रे कोड में क्या होता है, मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था बुलियन एलजेब्रा में, उस बुलियन एलजेब्रा में मैंने दो फॉर्म बताई थी, एक तो POS फॉर्म और एक SOP फॉर्म, ठीक है। SOP फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, और POS को बोलते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट जो होती है, तो उसका जो आउटपुट होता है सम ऑफ प्रोडक्ट का, वो हमेशा आता है 1, और जो POS वाली होती है फॉर्म, उसका आउटपुट आपका आता है 0, ठीक है। POS का होता है 0, और जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसको आप क्या कर दोगे, जो SOP जो फॉर्म होती है उसको आप कैसे डिनोट करोगे, उससे आप डिनोट करोगे स्मॉल m से, जबकि जो POS फॉर्म होती है उसको आप डिनोट करते हो पाई m से। अब देखो ये जो FAB लिख रहा है उसमें कैपिटल F आ जाता है, सॉरी, है ना। तो ये आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट वाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो FAB जिसमें मतलब इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल हैं तो ए और बी, अब इनको मैं दिखाऊंगा, तो इसको आप इस स्मॉल एम से डिनोट करोगे, स्मॉल एम से डिनोट करके इसमें क्या करोगे, 0, 2 और 3। तो 0, 2, 3 का मतलब ये हुआ कि 0 वाला जो बक्सा है उसमें 1 आ जाएगा, 2 वाला बक्सा है उसमें 1 आएगा, और 3 वाला बक्सा है उसमें भी आपका 1 आएगा। देखो ये दो वेरिएबल का के मैप, इसको देख इसको बनाओ सबसे पहले आप, इसको आप बनाओगे तो इसमें आप पता लग जाएगा बक्से का नंबर क्या है। तो इसमें मैंने क्या करा, 0, 2, 3 पे आपका 1, 1 है, तो 0 वाले पे मैंने 1 रख लिया, 2 वाले पे 1 रख लिया, 3 वाले पे 1 रख लिया। 0 वाले पे मैंने 1 रख लिया, 2 वाले पे 0, ये आपका 1 था, 2 वाले पे 1 और 3 वाले पे 1, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक कर लिया, अब इनकी आती है ग्रुपिंग की बातें। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, इसके अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि हम या तो सिंगल की ग्रुपिंग कर सकते हैं, या हम दो की ग्रुपिंग कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं चार की ग्रुपिंग कर सकते हैं, या हम 8 की कर सकते हैं, और यह हम 16 की कर सकते हैं, ऐसे रहता है। तो जो 0 जो एक की ग्रुपिंग होती है, मतलब एक अकेला ग्रुप में रह सकता है, और दो रह सकते हैं ग्रुप में, और चार रह सकते हैं, तो इनको ये रखो आप 2 की पावर n से, इसको नोट रखो ग्रुपिंग के लिए, कि n बराबर यदि 0 हुआ तो एक की ग्रुपिंग, n बराबर 1 हुआ तो आपकी 2 की ग्रुपिंग, n बराबर 3 हुआ तो आपकी 8 की ग्रुपिंग, n बराबर 4 हुआ तो आपकी 16 की ग्रुपिंग, n बराबर 5 हुआ तो आपकी 32 की ग्रुपिंग, बस। और ग्रुपिंग करते वक्त आप ये ध्यान रखोगे कि मैक्सिमम मतलब हम सबसे बड़े ग्रुप को बनाएंगे। अब ग्रुपिंग का तक वो सिस्टम भी क्या है, ग्रुपिंग का सिस्टम ये रहता है कि आप जो नियरेस्ट वाला होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, तो उनको आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आप जैसे अब ये वाला है, इसमें आप यदि ग्रुपिंग करें तो आप इन दोनों की ग्रुपिंग करें, मतलब नियरेस्ट तो ये दोनों हैं लेकिन ये डायगनल हैं दोनों, मतलब इस वन को छोड़ दो, सॉरी एक सेकंड में दोबारा बनाता हूं, जैसे ये और ये दोनों वन, इन दोनों वनों की आपकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये डायगनल है, इनकी ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। इनकी ग्रुपिंग या तो ऐसे होगी इन दोनों की ग्रुपिंग हो सकती है, या है कि इन दोनों की भी ग्रुपिंग हो सकती है, ठीक है, इन दोनों की आपकी ग्रुपिंग हो सकती है। तो आप अपन को ग्रुपिंग करना, मतलब ये ऐसे ग्रुपिंग हो सकती है, और यदि मान लो इसके अंदर ही एक वन और होता है यहाँ पे इस जगह पे, तो इन चारों की भी आपकी ग्रुपिंग हो सकती है। तो ये दो वेरिएबल में जो सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है वो 4 का बन सकता है, और जबकि 3 वेरिएबल में जो सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है वो आपका 8 का बन सकता है। ये रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो, ये देख लो 4 का बन गया इसके अंदर यहाँ तक। अब ग्रुपिंग के बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक में इसमें सिस्टम ये होता है कि ये ग्रुपिंग मतलब ये दोनों ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब ये दोनों दोस्त बन सकते हैं, ये दोनों दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ये इसका भी पड़ोसी है, हॉरिजॉन्टल तो पड़ोसी है ना, तो अब ये इसका भी पड़ोसी है, तो ये इसका भी दोस्त बन सकता है, तो ये मतलब एक दो का दोस्त भी हो सकता है, या दो के साथ में ग्रुपिंग कर सकता है, हालांकि इसको अपन ओवरलैपिंग ग्रुपिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे ही FAB है,
एफ एफ ए बी है, तो एफ ए बी को आप क्या करोगे? हाँ, जो एफ ए बी है तो एफ ए बी, इसमें अपन ने ये जो एक्सप्रेशन लिखा तो ये कैसे करा, इसमें ये देखो, ये ऊप इसमें अपन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी चलेंगे और वर्टिकल भी चलेंगे, और दोनों में से अपन कॉमन देखेंगे। अब इसके अंदर आपने क्या करा, ये वाले में चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे यदि एस ओ पी फॉर्म होती है तो वन को अपन ए से डिनोट करते हैं और इस जीरो को उसके कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं। ये पिछले वीडियो को एक बार देखना ना, उसमें कि यदि एस ओ पी फॉर्म होती है उसमें वन मतलब आपका मतलब विदाउट कॉम्प्लीमेंट और जीरो मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के लिए कॉमन क्या है, ये एक कॉमन है, ऊपर की साइड से कोई कॉमन आ रहा है, जीरो वन में कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें से चूंकि ये एक कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको सीधा सीधा लिख दिया आपका ए, ठीक है। अब ऊपर की साइड से देखो, ये ऊपर की साइड से हाँ, अब ये दूसरा वाला, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए तो इसको मैं कौन कॉमन है, बी बार, तो मैंने बी बार इसमें कॉमन कर दिया, ठीक है, बी बार कॉमन कर दिया, बी बार कॉमन कर दिया, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो कैसे डिनोट करते हो आप, वन मतलब कॉम्प्लीमेंट से, तो ये बी बार। अब इन दोनों को क्या करोगे आप, ऐड कर दो, ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका ए प्लस बी बार हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से ये अपन ने मिनिमाइज कर लिया दो वेरिएबल को लिए। अब इसी तरीके से ये तीन ये अब ये देखो, ये इसको भी देख लेते हैं, मैं दो वेरिएबल का आज करा देता हूँ आपको, फिर बाद में कराऊंगा। अब ये एफ ए बी, अब इसमें क्या है, वन टू थ्री में आपका वन वन आएगा, ये वन में, ये टू में, ये थ्री में, यहाँ पे जीरो था, जीरो बक्सा, तो जो उसमें कुछ नहीं आएगा। अब इन दोनों की ग्रुपिंग हो सकती है, इन दोनों की ग्रुपिंग हो सकती है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसमें एफ ए बी में से इनमें से क्या कॉमन आएगा, हॉरिजॉन्टल में से, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो इसमें से आपका वन ए कॉमन आ जाएगा और ये इस वाले में से आपका बी कॉमन आ जाएगा, तो एफ ए बी बराबर ए प्लस बी। अब यदि मैं चारों में से यदि वन वन है, ये चारों ही बक्सों में यदि वन है, इसमें भी वन, तो ये चारों एक तरीके से आपको क्या करेंगे, जैसे अब मैं इसको बता देता हूँ, ये चार का देख लो, ये दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल, ठीक है, ये मैंने चार बक्से बना दिए, तो अब इसमें क्या है, ये जीरो वन टू थ्री, तो इसमें भी वन आएगा, इसमें भी वन आएगा, इसमें भी वन आएगा, इसमें भी वन आएगा। अब मैंने बताया कि आपको ग्रुपिंग होती है, वो ग्रुपिंग टू की पावर एन की फॉर्म होती है, टू की पावर एन मतलब एन की पावर यदि जीरो होगी तो वन आ जाए, वन की ग्रुपिंग, दो की ग्रुपिंग, चार की ग्रुपिंग, तो इन चारों में वन वन हो रहा है, तो ये मतलब चारों अपने दोस्त बन सकते हैं एक तरीके से, आप शरीर में ग्रुप बना सकते हैं, तो ये मैंने चारों की आपकी ग्रुपिंग कर दी, ठीक है, चारों ग्रुपिंग कर दी। अब ये चूंकि दो वेरिएबल का था तो इसमें मैंने, ये आपका आ गया एक वेरिएबल, मैंने ए यहाँ पर लिख दिया ए, और इस जगह लिख दिया मैंने बी वेरिएबल, ठीक है, तो अब इन चारों में से, और यहाँ पे क्या आएगा आपका जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा आपका वन, इस जगह पे वन और इस जगह पे भी है आपका जीरो, ठीक है। तो इन चारों में यदि मैं देखूँ तो इन चारों के अंदर आप देखें तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इन जीरो और वन में से कोई कॉमन नहीं, जीरो और वन में से कोई कॉमन नहीं। आप एक बार हॉरिजॉन्टल देखोगे कॉमन, हॉरिजॉन्टल कॉमन देखोगे मतलब इन जीरो और वन में से देख लिया, वर्टिकल कॉमन देखोगे जीरो वन, इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका एक आ जाएगा, क्योंकि एक तो सब जगह विद्वान रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको सीधा लिख दोगे एफ ए बी बराबर वन, ठीक है। अब इसके आगे जो क्लास होगी उसमें मैं आपको डोंट केयर का फंक्शन बताऊंगा कि डोंट केयर से अपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी इतनी, हालांकि एक वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको, जो शायद उससे आपकी बेटर समझ में आ जाए और भी अच्छे से। आ रहा है सबके समझ में, ये बताओ मेरे को, हेलो, एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं ना आपको, तो उस वीडियो को थोड़ा सा देखना और वीडियो के बाद में फिर मेरे को बताना तुम कैसे समझ में आ, ठीक है, तो मैं चला रहा हूँ अभी। इंग्लिश में है वीडियो, ठीक है, K-map, Karnoff map. So here Karnoff map is also called as K-map. This is developed by a scientist Karnoff,
बाय हिज नेम वी जस्ट वन सेकंड वी गिवन कार्नोव. सो हियर दिस इज डेवलप्ड इन 1953. सो हियर we are having some important points related to K-map like this is developed by Karnoff in 1953 and used to simplify Boolean algebraic expressions without using Boolean loss. So when we are solving a Boolean expression, we use it to consider Boolean loss or theorems. So that may be somewhat typical for you. So whenever you forgotten that loss and theorems. So whenever you forgotten theorems and loss, you can make use of this K-map to simplify the Boolean expressions. So generally for two variable and up to from two variable to four variable expressions, we can easily solve by using K-map method. Generally in gate-like exams and other technical exams also, to save some time, we are going to prefer K-map method. So now we'll see how the K-map will be. What is the structure of K-map and how we are having variables in that, and that we'll see now. So here K-map may be two variable K-map. From two variable onwards we are having K-map. So here for example, if you are having two variables, we may have two square, that means four cells in K-map. K-map is nothing but a pictorial representation, pictorial solving of Boolean expressions. This is the method, pictorial method to solve Boolean expressions without using Boolean laws and theorems. So see here, here we are having cells in K-map. So here for example, if I take a two variable K-map, so this is a two variable K-map. So here this contains, always contains a box with this separation, and this separation is for variables, whatever two variables is there. So for that, for example, one variable is A and another variable is B. For example, our expression is containing A and B, these two variables, then the K-map will be like this. This is the two variable K-map. So like this we can write, we can design two variable K-map. In two variable K-map, you may have ones and zeros in the cells. So here you can interchange these positions, no problem. Here you can write A and here you can write B. This is about two variable K-map. In further classes, we are going to solve problems on two variable K-map and three variable K-map and four variable K-map. So now for more than four variables also, by using K-map we can solve, but that is somewhat typical. Up to four variables, this is very very easy compared to Boolean expression solving. So see here, this is two variable K-map. When you consider three variable K-map, so it will contains, so here as this is two variable K-map, this is a two variable K-map. So here the number of cells, number of cells is equivalent to 2 square, that is equal to 4. Always number of cells is equal to 2 power A. The number of cells in a K-map is equivalent to 2 power N, where N is equal to number of variables. So here N represents number of variables. So here, as this is a two variable K-map, our N value is equivalent to 2. That's why the number of cells is equivalent to 4. So now here we are skipping into three variable K-map. So now I'm taking three variable. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done. K-map. So in three variable K-map,
we can have two structures in three variable K-map. We can take vertically or we can take horizontally. So see here I am taking horizontal representation of three variable K-map. So here as usual we are having partition, and here for example if you are taking two variables here, if you are taking horizontal means you are taking maximum variables at top side. So that means, so here if you take an AB means you are having combinations. So see here AB C, I take it like this. So this is a three variable K map. In this horizontal itself you can represent A here and BC here, no problem. So that means single A here, BC combination here. So now here we are having 8 cells because of 3 variables. 8 cells means 3 variables because the number of cells is equal to 2 power n. In this case n is equivalent to 3 here. So number of cells, that means 2 power n is equal to 2 cube is equal to 8. So you can count here we are having 8 cells. So now here you are having 4 cells and here you are having 8 cells. So as the reference of these cells, what is meant by a cell means the possibility of a variable. So here for example possibility of combination of variable is nothing but cell here. So now here you are having a single variable. For that single variable, so the two combinations may be 0 and 1. For this A the combination may be 0 and 1. Sometimes it may be 0, sometimes it may be 1. So like that B is 0 and 1. B is also having two combinations, initially 0 and then 1. So these are the combinations for this K-map. So for example, anyone given you AB 0 0, then you need to put 1 in this box. For example, anyone given you the AB combination is 1 0, then A is 1, B is 0. That means you need to highlight this cell. So in the similar way, see here you are having two variables, so four combinations you may have. So that four combinations 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Why I return 1 0 here and 1 1 here? So many of you having same doubt according to K-map, why we are writing 1 1 here and 1 0 here. In the order up to now we take in 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. But in K-map, so where you are having two variables, you are writing like this. After 1 1, you are taking 1 0. The reason behind this is for any state change, for every state change, you need to change only one bit. See here, 0 0 to 0 1, only one bit is changed here. Only this 0 is changed as 1. So after coming to 0 1 stage, only one bit change must be there. You can't change two bits. So one bit change means either this bit or either this bit. So here 0 is modulated as 1 and 1 as it is. That's why 1 1. For example, if you return 1 0 here, what is going to happen? So to come from this state to this state, you need two bit changes. For example, you return 1 0 here, then to come from 0 1 state to 1 0 state, you need two bit changes. That is not possible. That's why here we are taking 1 1 and 1 0. So in next four variable K maps also, you are writing in the same way. So here three variable K map can also be